हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ गाइड। आज हम बात करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड में कितने सेक्शंस दिए हुए हैं। हमने सेक्शन कंप्लीट किए हैं 60 तक, हमने सेक्शन कंप्लीट किए हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें हमने सेक्शन 60 तक कंप्लीट किया है। अब हम आगे के सेक्शन के ऊपर बात करेंगे। सेक्शन 61 डील करता है पार्शल, सेक्शन 60 डील करता है प्रॉपर्टी लायबल टू अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। सेक्शन 61 डील करता है पार्शल एग्जेम्पशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सेक्शन 62 डील करता है सीज ऑफ प्रॉपर्टी इन ड्यूलिंग हॉर्स। हम इस वीडियो में सिर्फ इम्पॉर्टेंट सेक्शंस के ऊपर ही बात करेंगे और दूसरे वीडियोज हम कवर नहीं करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस है हम उसे ही इस वीडियो में बात करेंगे। 63 प्रॉपर्टी अटैच इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ऑफ सिविल कोड। सेक्शन 64 प्राइवेट एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी अटैच आफ्टर अटैचमेंट टू बी वॉइड। प्राइवेट एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर अटैचमेंट टू बी वॉइड। सेक्शन 65 डील्स विद परचेसर टाइटल। सेक्शन 66 रिपील्ड। सेक्शन 67 पावर फॉर स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल अस टू सेल ऑफ लाइन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी। सेक्शन 68-72 रिपील्ड। सेक्शन 73 एग्जीक्यूशन सेल टू बी रेटेबल डिस्ट्रीब्यूट एमोंग डिक्री होल्डर। सेक्शन 74 रेसिस्टेंस टू एग्जीक्यूशन पार्ट थर्ड। सेक्शन 75 पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशन। सेक्शन 76 कमीशन टू अनदर कोर्ट। सेक्शन 77 डील्स विद लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। सेक्शन 78 डील्स विद कमीशन इशू बाय फॉरेन कोर्ट। पार्ट फोर सेक्शन 79 सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट। सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट सेक्शन 79। सेक्शन 80 नोटिस। सेक्शन 81 एग्जेम्पशन फ्रॉम अरेस्ट एंड पर्सनल अपीयरेंस। सेक्शन 82 एग्जेम्पशन ऑफ डिक्री। सेक्शन 82 डील्स विद एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, जो बात करता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के ऊपर। सेक्शन 88 इंटरप्लीडर सूट मे बी इंस्टीट्यूट। सेक्शन 88 डील करता है इंटरप्लीडर सूट चैप पार्ट 5। सेक्शन 89 सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड कोर्ट। सेक्शन 89 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और सेक्शन 88 भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इनके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। 88 के ऊपर तो मैंने पहले ही वीडियो बनाई है, हम सेक्शन 89 के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस होंगे उनके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे हर एक सेक्शन का। सेक्शन 90 पावर टू स्टेट केस फॉर ओपिनियन ऑफ कोर्ट। सेक्शन 91 पब्लिक न्यूसेंस। सेक्शन 92 डील्स विद पब्लिक चैरिटी। सेक्शन 93 डील्स विद एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ एडवोकेट जनरल आउटसाइड प्रेसिडेंसी टॉन पार्ट 6। सेक्शन 94 सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग। सेक्शन 95 कंपनसेशन फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट अटैचमेंट और इंजेंशन इन इंजेंशन ऑन इनसफिशियंट ग्राउंड। सेक्शन 95 कंपनसेशन फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट अटैचमेंट और इंजेंशन ऑन इनसफिशियंट ग्राउंड। पार्ट 7 अपील। सेक्शन 96 डील्स विद अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। सेक्शन 97 डील्स विद अपील फ्रॉम फाइनल डिक्री वेर नो अपील फ्रॉम प्रिलिमिनरी डिक्री। सेक्शन 98 वेर अपील हर्ड बाय टू और मोर जज, जहाँ पे अपील को दो जजेस सुनते हैं सेक्शन 98 के अंदर। सेक्शन 99 नो डिक्री टू बी रिवाइज और मोडिफाइड। सेक्शन 100 सेकेंड अपील। सेक्शन 100 क्लॉज है नो फर्दर अपील इन सर्टन केस। सेक्शन 101 सेकेंड अपील ऑन नो अदर ग्राउंड। सेक्शन 102 नो सेकेंड अपील इन सर्टन केस। सेक्शन 103 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू डिटरमाइन इशू ऑफ फैक्ट। पार्ट 8 बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सेक्शन 113 रेफरेंस टू हाई कोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 40 रिव्यू। सेक्शन 40 रिव्यू। सेक्शन 115 रिवीजन। सेक्शन 113 रेफरेंस। सेक्शन 114 रिव्यू। सेक्शन 150 रिवीजन। ये तीन सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो पार्ट 8 में दिया हुआ है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीन सेक्शंस तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पार्ट 9, ये दूसरे सेक्शन पार्ट 9 और पार्ट 10, आप इसे एक बार रिवाइज कर लीजिए, वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है पर उतने नहीं। पार्ट 11 मिसक्लीनियस। सेक्शन 132 एग्जेम्पशन ऑफ सर्टेन वुमेन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस। सेक्शन 133 एग्जेम्पशन ऑफ अदर पर्सन। सेक्शन 134 अरेस्ट अदर देन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। सेक्शन 135 क्लॉज ए। सेक्शन 135 क्लॉज ए
एग्जेम्पशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर सिविल प्रोसेस सेक्शन 136 वेयर पर्सन टू बी अरेस्ट और प्रॉपर्टी टू बी अटैच इज आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट सेक्शन 137 लैंग्वेज ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट सेक्शन 138 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू रिक्वायर एविडेंस टू बी रिकॉर्ड इन इंग्लिश सेक्शन 139 ओथ ऑन एफिडेविट बाय होम टू बी एडमिनिस्टर सेक्शन 140 एसेसर इन कॉज ऑफ स्लेवेज एक्सेट्रा सेक्शन 140 एसेसर इन कॉज ऑफ स्लेवेज एक्सेट्रा सेक्शन 141 डील्स विद मिसलिनियस प्रोसीडिंग सेक्शन 142 ऑर्डर एंड नोटिस टू बी इन राइटिंग सेक्शन 143 पोस्टेज सेक्शन 144 एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन सेक्शन 148 डील इनलार्जमेंट ऑफ टाइम जब कोर्ट से एक डेट निकल जाती है कोर्ट एक डेट दे देता है एग्जामिनेशन के लिए तो वो डेट को आगे करने के लिए ये सेक्शन इम्प्लीमेंट करने के बाद आगे की डेट भी ली जा सकती है सेक्शन 148 इनलार्जमेंट ऑफ टाइम सेक्शन 148 क्लॉज ए केवीएट जिसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है पहले ही सेक्शन 149 पावर टू मेक डेफिशिएंसी ऑफ कोर्ट फी सेक्शन 150 ट्रांसफर ऑफ बिजनेस सेक्शन 151 इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट सेक्शन 151 इनहेरेंट पावर देता है हाई कोर्ट को सेक्शन 151 डील्स विद इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट सेक्शन 152 अमेंडमेंट ऑफ जजमेंट डिक्री और ऑर्डर सेक्शन 153 जनरल पावर टू अमेंड सेक्शन 153 क्लॉज ए पावर टू अमेंड डिक्री और ऑर्डर वेयर अपील इज समरली डिसमिस ये थे हमारे सीपीसी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और सॉरी ये थे हमारे सीपीसी के इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जो भी सेक्शंस हमने आपको इस वीडियो में बताया है पहले की वीडियो में और इस वीडियो में जो भी सेक्शंस हमने आपको बताए हैं सारे सेक्शन